एक और ऑप्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, गूगल स्कॉलर बटन। गूगल स्कॉलर बटन फॉर योर ब्राउजर, जो भी आप यूज कर रहे हैं। मेरे पास ब्राउजर फायरफॉक्स है, तो मैं फायरफॉक्स यहाँ पर टाइप करूंगी। गूगल स्कॉलर बटन फर्स्ट जो हमारे पास इसमें ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे, ऐड टू फायरफॉक्स। अगर आप इसको क्रोम के लिए कर रहे हैं तो क्रोम के लिए ऑप्शन आएगा, तब तो आप ऐड टू क्रोम करेंगे। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन ऐड टू फायरफॉक्स। नाउ मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से परमिशन ले रहा है कि ये आपके ब्राउजर में एक्सेस जा रहा है। आई एम गोइंग टू ऐड इट। अलाउ दिस एक्सटेंशन टू रन इन प्राइवेट विंडो, आई विल ऑल्सो प्रेफर इट। ओके कर दूंगी। अब ये मेरे पास मेरे जो ब्राउजर की एक यहाँ पे टॉप विंडो है, एड्रेस बार आ रहा है, उसके अंदर ये शो हो गया है। इसका मुझे क्या फायदा है? मैंने सिंपली गूगल पे लिखा पेरेंटिंग स्टाइल इन एडोलसेंट, वही चीज जो मैंने गूगल स्कॉलर में जाके सर्च की थी। अब यहाँ पे ये चीज मुझे चाहिए है, मैं चाहती हूँ मेरे पास आर्टिकल्स खुल जाए। मैं सिंपली यहाँ पे गूगल स्कॉलर बटन में जाऊंगी जो राइट साइड पे है, क्लिक करूंगी, ये मुझे यहाँ पे स्कॉलर के अंदर ओपन करके दे देगा। अगर मैं इसको बड़ा करती हूँ, न्यू टैब के अंदर ये ओपन हो जाएगा। अगर मैं यहीं से किसी आर्टिकल को प्रेफर कर रही हूँ वो मेरे पास आ जाए, तो मैं इसको यहाँ से ही डाउनलोड कर सकती हूँ। ये आपके पास पीडीएफ वर्जन आ गया इसका। इसमें लिमिटेशन ये है कि गूगल स्कॉलर बटन के अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप वहीं से ईयर सेट कर सकें, लेकिन आप इसको अगर न्यू विंडो में ओपन करते हैं और ये आपके पास ब्रॉडर वर्जन में आ जाता है, जैसे हमने पहले किया था, कस्टम रेंज में जाके आप दोबारा से वैसे सेटिंग कर सकते हैं और आप ऐसी स्टडीज जो लेटेस्ट वन है उनको लेके आ सकते हैं। सो हेयर इज द मेथड हाउ यू कैन यूज गूगल स्कॉलर फॉर लेटेस्ट आर्टिकल सर्च प्लस यूज ऑफ गूगल स्कॉलर बटन। होप सो इट विल हेल्प यू।